डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़े थे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक एंड डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि ड्यूडेनम और जोजेनम के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाता है और उसके बाद थर्ड पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कहलाता है ईलियम। तो ईलियम के अंदर हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन होगी फूड की और वो किस तरह से होगी एब्जॉर्प्शन उसको आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और हमारा टॉपिक क्या है आज का, आज हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इन ईलियम लिख देते हैं हम इसे। जैसे कि हम जानते हैं कि इलियम जो है वो थर्ड पार्ट है या लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होनी है उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इलियम का और इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूडेनम और जियोजेनम। ठीक है, तो किस किस्म का इसका स्ट्रक्चर है उसको हम देख लेते हैं। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम कहते हैं कि डिफरेंट फोल्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैनी फोल्ड्स। ठीक है, और वो जो मैनी डिफरेंट तरह के जो फोल्ड्स हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो हम कहते हैं कि इसकी वेलवेटी सी अपीयरेंस होती है, वेलवेटी अपीयरेंस। अच्छा, अब वेलवेटी अपीयरेंस या मैनी फोल्ड, ये फोल्ड्स किस फॉर्म में होते हैं? फोल्ड अगर आप देखें तो इस किस्म के, इस तरह से फोल्ड्स की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये इलियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। और वो किस तरह से होता है? इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स पाई जाती है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। और ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं इनको हम स्पेशल नाम देते हैं, हम इनको कहते हैं ये है विलाय। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा तो विलस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो विलाय है ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के अंदर। अब अगर एक विलस को या एक विलाय जो है इसका एक पार्ट अगर हम देखें विलस को, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होंगी। और ब्लड कैपिलरीज का क्या काम है? ब्लड कैपिलरीज का काम ये है कि वो जितनी भी फूड के अंदर से चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं वो सीधी सीधी कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर चले जाएंगी। ठीक है, कैपिलरीज। और इसके अलावा इसके अंदर एक वेसल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लैक्टील। एक वेसल है और वो क्या कहलाती है? वो वेसल कहलाती है लैक्टील। और ये लैक्टील क्या है? लैक्टील जो है ये लिम्फैटिक सिस्टम का एक पार्ट है, लिम्फैटिक सिस्टम की एक वेसल है और ये हेल्प करती है डाइजेस्टेड फूड जो कि हम लोग एब्जॉर्ब, यहाँ से फूड जो एब्जॉर्ब होगी वो इस लैक्टील के अंदर आ जाएगी और लैक्टील के थ्रू वो लिम्फैटिक सिस्टम के पार्ट बन जाएगी। अच्छा, तो ये तो हमने लैक्टील को देख लिया। इसके बाद ये जो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये जो विलाय है ये कवर्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ एपिथीलियम। ठीक है, एपिथीलियम से ये कवर्ड होंगे। एपिथीलियम जो है ये हम जानते हैं कि ये स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं मोस्टली हम उनको कहते हैं कि वो एपिथीलियम से हो जाते हैं, एपिथीलियल सेल्स। ठीक है, तो ये एपिथीलियम से कवर्ड होंगे और ये जो एपिथीलियम है इसके अंदर कुछ और छोटे छोटे विलाय पाए जाएंगे जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाय। ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर की तरह के यूं इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू विलाय। और इनका भी क्या काम है? इनका भी सेम काम है कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इन ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है कि ये क्लोजली पैक्ड और सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस हम इसको बोल देते हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर इसका देख लें तो हमारे लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ से ये यू मूव करिए स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोल्डिंग पाई जाती है। ठीक है, ये इस तरह से फोल्डिंग है। अब अगर हम किसी एक फोल्डिंग को उठा के उसे अगर हम बड़ा करके देखें तो वो आपको ये इस तरह से ये वाली वो फोल्डिंग्स थी जो यहाँ पे आपको ऐसे नज़र आ रही थी। ठीक है, अब ये जो फोल्डिंग्स हैं इसके अंदर विलाय जो हमने बात की, विलाय क्या चीज़ है? विलाय बेसिकली इन फोल्डिंग्स के अंदर भी मज़ीद कुछ फोल्डिंग्स है। यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे 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 कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना, ये क्या हैं? ये विलाय हैं, ये कहलाते हैं विलाय। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम इनको कहते हैं बिकॉज इस तरह से इनका ये इस फॉर्म में इस तरह के इनके स्ट्रक्चर है। अच्छा,
अब ये जो विलाय है, अगर एक विलाय को, ये वाला जैसे एक विलाय है या ये एक विलाय है, ठीक है, इसको भी अगर हम डिटेल में देखें यहाँ पे आके, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, विलाय। और विलाय के ऊपर हमने एपिथीलियम सेल्स की बात की ना, एपिथीलियल सेल्स, तो वो क्या है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है इसको मज़ीद हम बड़ा करके देखें तो ये एपिथीलियल सेल्स हैं, और इनके अंदर फिर मज़ीद माइक्रोविलाय पाए जाते हैं, ठीक है। और माइक्रोविलाय ये सिलेंड्रिकल से यहाँ पे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, और ये क्या है, ये है माइक्रोविलाय, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो एब्जॉर्प्शन हो रही है माइक्रोविलाय में होगी, और फिर विलाय में भी होगी, और विलाय के अंदर यहाँ पे आप टर्न्स देख रहे हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा टर्न और इतने ज़्यादा माइक्रोविलाय और विलाय से होगा कि आप बेसिकली ओवरऑल हमारे जो एब्जॉर्प्शन है उस पर यह इफेक्ट होगा कि जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर तो ये सिंपल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता तो क्या होता कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन है वो उतनी ही होती जितना इस ट्यूब का यहाँ पर हम डायमीटर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया है फॉर एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज़ हो गया है, और वो क्यों इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस विलाय, ठीक है, विलाय और माइक्रोविलाय की प्रेजेंस की वजह से इसका टोटल एरिया जो है एनलार्ज हो गया या इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन में हमने जब बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिजनम की, तो हमने कहा था कि जिजनम के अंदर टोटली फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, और उन डाइजेस्टेड फूड में क्या क्या चीज़ें आ जाती थी, हमारे पास अमीनो एसिड्स थे, फैटी एसिड्स थे और ग्लूकोज थे, ठीक है, ये मेजर चीज़ें थी हमारे पास, या फिर हमारे पास हम जानते हैं ग्लिसरॉल्स, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स। अब ये जो सिंपल चीज़ें हमारे पास आ गई थी उन तमाम चीज़ों ने यहाँ पर आके एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। वो एब्जॉर्ब किस तरह से होती हैं, एब्जॉर्ब इस तरह से होती हैं कि जो हमारे पास सिंपल शुगर्स हैं, सिंपल शुगर्स और जो अमीनो एसिड्स हैं, वो तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो विलाय हैं यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अगर आप इसको और से देखें, ये आपको रेड कलर से ये जो नज़र आ रही है ये हमारे पास ये आर्टरी है, इसी तरह ये जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रही है ये वेन है, ठीक है। तो विलाय के अंदर आप देख सकते हैं कि एक नेटवर्क प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है। तो अब ये जो नेटवर्क है इसका क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि जो फूड है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है और यहाँ से आके ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाती है, और ब्लड कैपिलरीज से अल्टीमेटली वो फिर हमारी मेन आर्टरीज और मेन वेन्स का हिस्सा बन जाती है। तो सिंपल शुगर जो सिंपल अमीनो एसिड जो हैं वो इसी तरह यहाँ पे आके डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर कोई स्पेशल या कोई ख़ास मैकेनिज़म जो है वो यूज़ नहीं होता। इसी तरह कुछ हमारे पास स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फैटी एसिड्स जो हैं, फैटी एसिड्स हो गए या फिर ग्लिसरॉल्स भी इनके साथ हैं, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स की भी कुछ क्वांटिटी जो है वो इसी तरह डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है। बट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, और वो क्या है, वो मैकेनिज्म ये है कि जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स वो एपिथीलियल सेल्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये जो एपिथीलियल सेल्स हमने कहा हैं, ये वाले सेल्स जो हैं, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेसिकली पूरा, तो वो फैटी एसिड्स इसके अंदर एंटर होंगे, ठीक है, एंटर एपिथीलियल सेल्स, और यहाँ से एंटर होने के बाद वो क्या करेंगे कि वो रिकम्बाइन हो जाएंगे, दोबारा से फैट्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, दे विल रिकम्बाइन इंटू फैट्स। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हमने जुजनम पार्ट की बात की थी तो हमने कहा था कि जुजनम के अंदर क्या होता है कि फैट्स जो हैं वो टूट के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में आ जाते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फैटी एसिड्स वापस कंबाइन हो रहे हैं फैट्स के अंदर, और भी क्या होता है कि ये जो फैट्स हैं ये एंटर करते हैं लैक्टील के अंदर, ठीक है, फैट्स एंटर लैक्टील, और लैक्टील क्या है, ये पार्ट है लिम्फैटिक सिस्टम का, ठीक है। अब क्या होगा कि एक तो ये फैट्स जो है वो लैक्टील के अंदर आ गए, दूसरा एक और यहाँ पे काम होता है वो ये होता है कि जो प्रोटीन्स हैं, ये जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, हमने कहा लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर ये आ गए, ठीक है, और लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स के अंदर पाई जाती है प्रोटीन, ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स हैं लिम्फ वेसल्स के अंदर ये कंबाइन करती हैं इन्हीं फैट्स के साथ, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है और उसे हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन।
ठीक है, ये जो लाइपोप्रोटीन है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ पे बनेंगे, और ये जो लाइपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स हैं ये फिर लिम्फैटिक डक्ट के थ्रू होते हुए ब्लड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली इन्होंने आना ब्लड के अंदर ही है, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये आ जाएंगे। और ये किस तरह से आएंगे, कहाँ से मूव करते हुए, यहाँ पे हमारे पास एक डक्ट है जो कहलाती है थोरेसिक लिम्फैटिक डक्ट। एक दफ़ा फिर हम इसके पूरे साइकिल को देख लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या कि फैटी एसिड्स जो थे हमारे पास वो एपिथेलियल सेल से होते हुए आगे लेक्टील के अंदर, और वो किस तरह से आए कि वहाँ पे जो इनकी कन्वर्जन हो गई वो दोबारा से फैट्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब लेक्टील के अंदर आगे, लेक्टील के अंदर ऑलरेडी जो है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, वो प्रोटीन्स इन फैट्स के साथ कंबाइन हो गए और हमारे पास क्या बन गया, लाइपोप्रोटीन्स बन गए। और ये जो लाइपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स हैं ये फिर थोरेसिक लिम्फेटिक के थ्रू होते हुए ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये जो हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स आ गए हैं ये वहाँ पे जाके हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा जो है इनको हाइड्रोलाइज कर देता है, और हाइड्रोलाइज करने के बाद होता ये है कि ये लाइपोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन्स, और ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर हाइड्रोलाइज होके हमारे बॉडी सेल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। एंटर बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर डिफरेंट जो सेल्स पाए जाते हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं। और अब लाइपोप्रोटीन बॉडी के सेल्स के अंदर जाके क्या करेंगे, यहाँ पे ये यूज़ होंगे। अगर तो वहाँ हम कोई काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, इवन कुछ नहीं भी करें तब भी रेस्पिरेशन का जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर ये लाइपोप्रोटीन जो है वो यूज़ हो जाएंगे। और जो यूज़ हो जाएंगे वो तो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, वो स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, ठीक है। कुछ हमारे बॉडी सेल्स के अंदर हो गए और वहाँ पे जाके क्या होंगे कि कुछ तो यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, और जो बाकी बचेंगे वो स्टोर हो जाएंगे। अब ये जो स्टोरेज है ये किस तरह से होती है, स्टोरेज बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स के नीचे एक लेयर होती है, प्रोटीन्स और स्किन के अंदर, ठीक है, मसल्स हैं हमारे पास, हम जानते हैं हमारे पूरे बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और मसल्स कवर किस चीज़ से होते हैं, मसल कवर होते हैं स्किन से, ठीक है, मसल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है स्किन के। अब ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं जिन्होंने स्टोर होना है ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये इन मसल्स और स्किन के दरमियान में आके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। अब अगर इसको जनरली हम आम जुबान में देखें तो ये क्या है, बेसिकली ये जो लाइपोप्रोटीन्स है ये चर्बी है, ठीक है, और ये चर्बी हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं वो उनके ऊपर चढ़ती जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उसको सही तरह से हज़म नहीं करता या यूटिलाइज़ नहीं करते उस फूड को, तो क्या होता है कि वो फूड यूज़ कम होती है और स्टोर ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, और वो जितनी जितनी ज़्यादा यहाँ पे एक बहुत मोटी लेयर जो है हमारी स्किन के ऊपर, वो स्किन के अंडर वो है, वो चर्बी की आ जाती है, और फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोस्टली जो लोग ओबीस होते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं, उनकी ये वजह होती है। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया लाइपोप्रोटीन्स को। इसके बाद क्या है, इसके बाद अब ये जो जितना भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो तो ख़त्म हो गया इलियम के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास इंटेस्टाइनल कंटेंट होगा, पहले हमने उसको फूड बोला था, ठीक है, फूड जो हमने खाई थी, उसके बाद हमने उसको बोलस का नाम दिया था, बल्कि हम इसको ऐसे करते हैं, हम साथ साथ मेंशन भी करते जाते हैं ताकि हमें याद रहे। हमने सबसे पहले फूड अपने माउथ के अंदर हमने डाली, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गई बोलस में, बोलस कन्वर्ट हो गया काइम में जो कि हमारे स्टमक के अंदर था, और उसके बाद अब जो हमारे पास फूड रह गई है एब्जॉर्प्शन के बाद उसे हम कह रहे हैं इंटेस्टाइनल कंटेंट, या फिर हम ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकी या इसका हमारे बॉडी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अब इस फूड ने एक्सपेल होना, हमारे बॉडी से बाहर जाना। तो अब ये जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ इसने मूव करना है। और वो मूवमेंट किस तरह से होगी, हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, एक प्रोसेस पढ़ा था पेरिस्टॉल्सिस, ठीक है, तो थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फूड मूव करती है वो इस पेरिस्टॉल्सिस या पेरिस्टॉल्टिक एक्टिविटी के थ्रू मूव करती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड जाएगी वो पेरिस्टॉल्सिस एक्टिविटी के थ्रू जाएगी, और यहाँ पे भी हमारे पास एक जंक्शन है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होता है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारे पास एक जंक्शन है, और वो जंक्शन क्या कहलाता है, वो जंक्शन कहलाता है इलियोटिक स्फिंक्टर, इलियोकोलिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर।
और ये जो इलियम कॉलिक स्फिंक्टर है ये करता क्या है, इसका काम ये है कि एक तो ये बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, दूसरा ये टाइम टू टाइम ओपन होता है और थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गए यहाँ पे इंटेस्टाइनल कंटेंट वो उसको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में आगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता रहता है, ठीक है। और ये जो अब इंटेस्टाइनल कंटेंट है, अगर हम इसको रेजिड्यू कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये इस रेजिड्यू को आगे मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो ये हमने देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, या हम देखेंगे डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो फिगर है इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने डाइजेशन इन स्टमक को पढ़ लिया, उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आई थी। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक, ये एरिया जो ये आप देख रहे हैं यहाँ 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 से, ये सारा एरिया जो है ये था स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो एंड पार्ट था हमारे पास, ये वाला पार्ट ये हमने देख लिया, ये था ईलियम। अच्छा, अब ईलियम के बाद का जो हिस्सा है, ये सारा पार्ट जो है ये ईलियम कहलाता है। हीलियम के बाद वाला जो हिस्सा है वो है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे।